नमस्कार दोस्तों, आप सबका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज आपके कल्पना के बारे में बताएंगे, आपकी सोच के बारे में बताएंगे, आपकी परेशानी का कारण भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, कहते हैं जीवन की एक एक कड़ी को बता देती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, हमारा मन कैसे, हमारा विचार कैसे है, हम कितनी गहराइयों में जाते हैं उसके बारे में बता देती है। और इसी प्रकार से हमारी ये हृदय रेखा, प्रेम की जज्बात होती है, हमारे अंदर कितनी भावना है प्रेम की उसके बारे में बताती है। आज मैंने बताया आपको गहरा राज क्या होता है, वो भी चंद्रमा के पर्वत पे। अगर अपने हाथ की रेखाओं को देखें हम और हाथ के पर्वतों को देखते हैं, तो ये बुध पर्वत के नीचे का जो अगला पार्ट होता है वो मंगल का होता है। और मंगल के साथ ये हमारा साइड में जो पार्ट होता है इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं, चंद्रमा का पर्वत। यहां पर बहुत राज छुपे होते हैं। हम किसी से दुख की बात कर सकते हैं, किसी की खुशी की बात कर सकते हैं, अपनी माता की बात कर सकते हैं, यात्राओं की बात कर सकते हैं, अपने उन सारे जज्बातों को यहां पर हम देख सकते हैं। क्या हमारा मन परेशान है, क्या हम किसी नशे का शिकार है, इन सारी बातों का जिक्र हमारे मन बताता है। आपने देखा होगा बहुत लोग छोटी सी बात को लेकर बड़े परेशानी में फंस जाते हैं, इस बात का हल कहां से निकलेगा। और कई लोग गहरे गहरे राजों को छुपा के बैठ जाते हैं, उनका कोई राज समझ भी नहीं पाता है। तो ये सारा कुछ हमारा जो है मन है। अगर मन की सोच समझें, अब ये मन की सोच बताता कैसे है? अगर ये हमारा पर्वत दबा हुआ है और इसके ऊपर अशुभ चिन्ह बने हैं या शर्करा है, तो हमारे मन की स्थिति को कमजोर कर देता है, हमारे मन के वेग को रोक देता है। लेकिन अगर यही पर्वत उन्नत है, इसके ऊपर शुभ चिन्ह है, तो आपकी छोटी सी छोटी बातें बड़ी आसानी से उसको निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर आपका चंद्र का पर्वत, ये चंद्रमा शुभ स्थिति में है, आप अच्छे से काम करेंगे और कलाकृतियों के प्रेमी होंगे, काव्य लिखने की आपको शक्ति होगी, प्राकृतिक चीजों को देखने की अद्भुत आपके अंदर एक अलौकिक शक्ति होगी। गहरे राज को बताने का मतलब, समुद्र की यात्राएं होगी, आपके अपने घर से दूर विकास होगा कि घर से नजदीक विकास होगा, यह हमारा चंद्र का पर्वत ही बताता है। और इसके ऊपर बना हुआ जो शुभ चिन्ह है वो अच्छी बातों को बताता है। अगर यह पर्वत दबा है और इसके ऊपर एक तिल बनता है, ये तिल बनता है, तिल वैसे रिश्तों को खराब करता है, आपके मन की परेशानियों को आगे बढ़ा देता है। किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर ना विश्वास करें, ये तिल आपको हमेशा नेगेटिविटी सोच को पैदा कर देता है, रिलेशन को खराब करता है और माता के साथ संबंध को भी खराब करता है। ऐसे लोग मैंने देखा और पाया भी है, पानी से डर लगता है, गहरे चीजों को देखने से डर लगता है। और इसी के ऊपर अगर क्रॉस बन जाए, ये क्रॉस, यहां पर क्रॉस जो होता है
आपके मन की स्थिति को मजबूत नहीं कर पाता है। आपको अपने जीवन से डर लगने लगता है कि मुझे अपने जीवन में कहीं कुछ घटनाएं तो नहीं घट जाएंगे। आपका मन परेशान हो जाएगा। जो इच्छा है वो आपकी, अगर देखें तो इच्छाओं का यहां पर अंत होते दिखता है और ये चंद्र का पर्वत दबा हो तो, और इसी के ऊपर ये जो खड़ी लाइनें होती है, ये खड़ी लाइनें यात्राओं को भी बताती हैं। ये छोटी मोटी यात्राएं बताती हैं, एक शहर से या एक राज्य से दूसरे राज्य को भी बताती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जीवन में कई लोग विदेश की यात्रा भी करते हैं। तो ये हमारा चंद्रमा है, हमारा ये चंद्रमा का पर्वत अगर अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, हम कलाएं करने की बात करते हैं और कलाएं ऐसी है 16 कलाएं देता है चंद्रमा। मन की उस सारी बातों को व्यक्त कर देता है, गहरे राज को खोल देता है। कभी कोई खुश होते देखा होगा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, ये चंद्रमा की कला है। और इसी के साथ अगर भाग रेखा प्रबल हो, ये भाग रेखा पर्वत हो, प्रबल हो और चंद्रमा से चले, चंद्रमा से चले और चंद्रमा के साथ कहीं ना कहीं हृदय का रेखा का साथ मिल जाए, ऐसे लोग शादी के बाद या नौकरी के बाद अवश्य तरक्की करते हैं और जीवन में अपार खुशियां मिलती हैं इनको। पत्नी का सपोर्ट मिलता है, कहीं भी दूर चले जाए इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वहां पे जरूर मिल जाता, अवश्य मिल जाता है इनको। और पैसे के मामले में काफी धनी होते हैं। और इसी के साथ अगर एक जीवन रेखा से कोई रेखा इस चंद्रमा के पर्वत पे भी आ जाए, ऐसे लोगों का अपना घर जो होता है वो एक राज्यों में भी हो सकता है और एक विदेशों में भी हो सकता है। कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि एक जगह से अलग भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है। और इसी हृदय रेखा से अगर कॉम्बिनेशन मिलता है, हृदय रेखा मन की गति को बढ़ाती है और वो गुरु के पर्वत पे चली जाए, ऐसे लोग अपने जीवन में पत्नी के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं और जीवन में अधिक धन भी कमाने की इच्छा रखते हैं। अगर ये पर्वत दब जाए तो कुछ आपके जो चिन्ह हैं बुरे हैं, आपका मन परेशान हो जाएगा, आप नशे के आदि हो जाएंगे, आपका अपना दिमाग काम नहीं करेगा, सोचना कुछ और करना कुछ और है, ये व्यक्त कर देता है। और ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं जो कारोबार भी करते हैं, लिक्विड चीजों का कारोबार करें, दूध से करें और होटल मैनेजमेंट की करें, कलाएं जितनी होती है जैसे काव्य लिखें, प्राकृतिक चीजों के ऊपर एक काफी अच्छा बेनिफिट कमाते हैं और यात्राएं भी इनकी अवश्य होती है। लेकिन अगर ये चंद्र का पर्वत कमजोर है तो आपको अवश्य जो चांदी का एक कड़ा बिना जोड़ का अपने कलाई में धारण करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और चांदी के गिलास में पानी पीने से मन मजबूत हो जाता है, चंद्रमा की स्थिति को मजबूत कर देता है। यही सब कुछ है इस गहरे राज चंद्रमा का मन। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।